आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स में कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ वित्तीय विवरणों के विश्लेषण तथा निर्वचन से है। इस विश्लेषण के माध्यम से व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा दुर्बलता का पता चलता है। इसके लिए स्थिति विवरण, आय विवरण की मदों का संचालन से संबंधित अन्य आंकड़ों के महत्वपूर्ण आंतरिक संबंधों का विवेचन किया जाता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन से हमें व्यवसाय के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। यह ध्यान देने योग्य है कि विश्लेषण तथा निर्वचन एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण के बिना निर्वचन असंभव है, निर्वचन के बिना विश्लेषण निरर्थक है। बहुत से विद्वानों ने विश्लेषण के निर्वचन को शामिल किया, जबकि अन्य विद्वानों ने दोनों शब्दों को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण मुख्य रूप से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन के है। इस विश्लेषण के माध्यम से व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति, ठीक है, वित्तीय स्थिति की दुर्बलता यानी कि उसकी हानि व्ययों की जानकारी मिलती है। इसके लिए स्थिति विवरण की मदों का संचालन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत हम परिभाषा देखते हैं। जॉन एन मायर के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यापक रूप से व्यवसाय में विभिन्न वित्तीय घटकों के संबंधों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। फिर स्पाइसर तथा पेगलर के अनुसार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन का आशय आंकड़ों को इस प्रकार रूपांतरित करने के लिए इसके अंतर्गत आंकड़ों को इस प्रकार रूपांतरित करने की कला व विज्ञान है, ताकि व्यवसायिक उपक्रम की वित्तीय शक्ति तथा दुर्बलता तथा उसके उत्तरदायी कारणों को प्रकट किया जा सके। ठीक है, इसमें व्यापार की शक्ति, ठीक है, व्यापार की वित्तीय शक्तियाँ और दुर्बलता प्लस और माइनस पॉइंट्स को इसके अंतर्गत प्रकट किया जाता है। अब हम देखेंगे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य। व्यवसाय की उपार्जन शक्ति का पता लगाना। इसके अंतर्गत व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य विनियोजित कोषों पर संतोषजनक प्रतिफल प्राप्त करना तथा सुदृढ़ वित्तीय स्थिति बनाए रखना होता है। वित्तीय विवरणों के माध्यम से व्यवसाय की उपार्जन शक्ति, विनियोग पर प्रतिकूल दर तथा आने वाले वर्षों में लाभों की प्रवृत्ति आदि का पता लगाया जाता है। फिर है व्यवसाय की सुरक्षा तथा शोधन क्षमता का अध्ययन। इसके अंतर्गत व्यवसाय की सुरक्षा और शोधन क्षमता का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान आसानी से करने की स्थिति में है या नहीं है, अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की क्षमता ज्ञात करने हेतु तरलता अनुपात तथा दीर्घकालीन भुगतान की क्षमता ज्ञात करने हेतु ऋण क्षमता अनुपात निकाला जाता है। अगला पॉइंट है वित्तीय दशाओं का अध्ययन। इसके माध्यम से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हमें इस बात का आसानी से पता चल सकता है कि व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय दशा सुदृढ़ है या नहीं, क्योंकि वित्तीय ढांचों की सुदृढ़ता की सफलता ही कुंजी होती है। मतलब हमारी वित्तीय दशाएं कैसी है, हमारी वित्तीय दशाएं अच्छी है, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है या नहीं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए व्यावसायिक उपक्रम के पास आंतरिक साधन पर्याप्त मात्रा से है कि नहीं, ठीक है, और कहीं कोई अनियमितता हो तो भविष्य में उसे दूर करने और सुधारने के लिए इसका प्रबंध किया गया है या नहीं। ठीक है, प्रबंध दक्षता का अध्ययन। किसी व्यवसाय की वित्तीय निष्पादन उसकी प्रबंध दक्षता पर निर्भर करती है। प्रबंध दक्षता को
की जानकारी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर निकाला जा सकता है तथा वित्तीय विवरणों के वित्तीय निष्पादन का तुलनात्मक विवेचन भी किया जा सकता है। फिर है अगला व्यवसाय की प्रवृत्तियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत क्रय विक्रय, व्यय, लाभ हानि, शुद्ध लाभ, बेचे गए माल की लागत, संपत्तियों एवं दायित्व का मूल्य आदि का तुलनात्मक चित्र वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत किया जा सकता है। इसकी प्रभावी प्रगति की संभावनाओं के बारे में पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। फिर अगला है ब्याज तथा लाभांश के भुगतान की क्षमता का अध्ययन। इसके अंतर्गत ब्याज और लाभांश की क्षमता का अध्ययन, उपक्रम के ब्याज और लाभांश का नियमित भुगतान करने की स्थिति में है या नहीं, उपक्रम को लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, इसका जानकारी इसके अंतर्गत निकाला जा सकता है। फिर कार्य निष्पादन की तुलनात्मक विवेचन। इसके अंतर्गत कार्य का निष्पादन वित्तीय विवरणों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है जिससे उपक्रम को मदद मिल सके। फिर है प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। कैसे? क्योंकि यह हमारे व्यवसाय की दुर्बलता और शक्तियों की जानकारी देता है जिसके कारण हमको उसकी खामियों और दुर्बलताओं से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है तो उसका हम लोग नियोजन और निर्णय अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व उपयोगिता। यह आप लोगों का IMP क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान का परिपालन। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिनियमों के प्रावधानों का परिपालन किया जाता है ताकि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक वैधानिक आवश्यकता है। विश्लेषण से यह पता चल सके कि कहीं किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, है ना। अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द सुधारने का कार्य भी किया जाता है। फिर है वित्त की वस्तुस्थिति का आंकलन। वित्त की वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा व्यावसायिक उपक्रम की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आंकलन करने में भी यह सहायता देता है। विभिन्न वर्षों के चिट्ठे तथा आय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। अगला है कर दायित्व का अनुमान। वित्तीय विवरण कराधान के कानून के अनुसार ही तैयार किया जाता है। इससे करों का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उद्गम स्थान पर कर की कितनी कटौती की जाती है, कितना अग्रिम कर देना होता है और करों के लिए क्या प्रावधान उचित है या नहीं है। तो कर दायित्व का अनुमान इसके अंतर्गत लगाया जा सकता है। अगला है ऋण प्राप्त करने में सुविधा। वित्तीय विवरणों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। क्यों? क्योंकि संस्थाएं ऋण स्वीकृत करते समय वित्तीय विश्लेषण का गहन अध्ययन करती है और संतोषजनक वित्तीय स्थिति होने के कारण ऋण को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण अगर हमारा किया जा चुका है तो हमें लोन लेने या ऋण लेने में आसानी होती है। फिर है व्यवसाय की प्रगति। इसके द्वारा व्यवसाय की प्रगति का आकलन भी किया जा सकता है। इसका हमको निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमको लाभ हो रहा है या नहीं। फिर है विनियोक्ताओं के लिए पथदर्शक। विनियोक्ताओं के लिए पथदर्शक होती है क्योंकि विनियोक्ता किसी व्यवसायिक उपक्रम में अपना धन का विनियोग करने के लिए तभी तैयार होगा जब उपक्रम की वित्तीय स्थिति, उपार्जन क्षमता संतोषजनक होगी। वित्तीय विवरणों के सही सही विश्लेषण से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है। जब इसके अंतर्गत तभी कोई विनियोक्ता इसके अंतर्गत पूंजी लगाएगा जब हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी। अगर हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, हमें लाभ हो रहा होगा, हमारी लाभार्जन क्षमता अच्छी होगी, तभी विनियोक्ताएँ हमारे कंपनी पर अपना लाभ अपनी पूंजी लगाएंगे। फिर है बड़े पैमाने के उत्पादन में लाभ। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने के उपक्रम में उत्पादन में लाभ होता है। इसका सही सही आकलन किया जाता है तथा उत्पादन की गतिविधि, बचतों आदि को प्राप्त करने की जानकारी इसमें मिलती है। अगला है वैधानिक प्रबंधन अपनाने में सहायक। ये वैधानिक प्रबंध अपनाने में सहायक होता है। इसमें यदि वित्तीय विवरण का सही सही विश्लेषण किया जाता है और सारी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती है तो प्रबंधन आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रबंध तथा टेक्नोलॉजी को आसानी से लागू कर सकता है। भावी नियोजन एवं पूर्वानुमान में सहायक होता है। देखो, अगर हम लोग अपने वित्तीय विवरणों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे को, अगर हम पिछले में कुछ गलती किए हैं, पिछले वित्तीय वर्षों में कुछ गलती किए हैं, तो हम लोग उसको सुधार करके विनियोजित कर सकते हैं तथा पूर्वानुमान
आगे का अनुमान लगा लाभ को प्राप्त करने के लिए आगे के अनुमान लगा सकते हैं। फिर विभिन्न पक्षों के लिए हितकर होती है, जैसे कि बैंक, बीमा कंपनी, स्कंद विपणन, अर्थशास्त्री संपदा, अधिकारी शासन, व्यापारिक संघ आदि। इसके अंतर्गत इन सब को भी लाभ होता है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है वित्तीय विवरण का अर्थ, उसका महत्व और उसके उद्देश्य। चलिए हम आगे पढ़ते हैं अब वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं। इसके अंतर्गत सबसे पहला आंकड़ों की एकरूपता का अभाव होता है, ठीक है। इसके अगर कुछ महत्व है तो इसकी कुछ कमियां भी हैं। वित्तीय विवरणों को अलग अलग सूचनाएं एवं समंक दिए जाते हैं, इनमें एकरूपता का अभाव होता है, जिससे उसके विश्लेषण के कई भ्रांतियाँ, संदेह व समस्याएँ निर्मित होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी समस्याओं का भी उजागर होता है। फिर है लेखांकन नीति में परिवर्तन। इसमें लेखांकन नीति में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम की अपनी अपनी अलग अलग लेखांकन नीतियाँ होती है। ऐसी दशा में वित्तीय विवरणों का उचित विश्लेषण संभव नहीं हो पाता है। फिर है कीमत स्तर में परिवर्तन का प्रभाव। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय यदि कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा नहीं जाता तो विश्लेषण के परिणाम भ्रामक हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कीमत स्तर को भी हमको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। फिर है अपूर्ण तथा असत्य समंक। कुछ हमारे समंक ऐसे होते हैं जो अपूर्ण जो होते हैं, जो हमको पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं होती है, और कुछ ऐसे भी हमको तथ्य मिलते हैं जो असत्य होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो त्रुटिपूर्व लिखे होते हैं। तो इसके द्वारा भी वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमें कठिनाई होती है। फिर है विश्लेषण के विभिन्न भिन्न तकनीकें। विश्लेषण की भिन्न भिन्न तकनीकें होती है, अतः विश्लेषण निर्वचन और परिणामों में भिन्नता आनी स्वाभाविक होती है। फिर वित्तीय विवरणों की भी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। स्वयं की अपनी अनेक सीमाएं होती है, अतः विश्लेषण की भी सीमाओं को परे नहीं रखा जा सकता। वित्तीय विवरण वस्तुतः लेखांकन परंपराओं, अवधारणाओं, मान्यताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला हम देखेंगे व्यक्तिक निर्णय का प्रभाव। इसमें व्यक्तिगत निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है। लेखापाल द्वारा किए गए व्यक्तिक निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। ये व्यक्तिक निर्णय हास लगाने, स्टॉक का मूल्यांकन करने, रिवेन्यू व्यय को अपलिखित करने आदि के बारे में जानकारी में हो सकते हैं। फिर पूर्वानुमान में कठिनाई। अगर हम किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ये सही नहीं कि हमारा पूर्वानुमान सही ही लगे। कभी कभी हमको पूर्वानुमान लगाने से लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, ठीक है। तो पूर्वानुमान लगाने में हमें इसमें कठिनाई होती है। फिर गुणात्मक पहलुओं का अभाव। इसमें गुणात्मक पहलुओं का अभाव होता है, क्योंकि प्रबंध तथा स्टाफ की कार्यक्षमता, कुशलता, तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही इसका विश्लेषण संभव नहीं होता। अतः विश्लेषण के उपक्रम के निष्पादन के एक पक्षीय पहलू पर ही ध्यान दिया जाता है, मानवीय पहलुओं पर इसकी उपेक्षा की जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत यह आप लोगों का होता है सीमाएं कंप्लीट।